हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डी प्लस बी की वैकेंसीज आई हुई हैं। जिन बच्चों ने पीजीटी कॉमर्स से फॉर्म फिल किया है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। जैसे कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्ज़ाम में तैयारी आपकी अच्छी होगी। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी के भी जो बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग के भी एग्ज़ाम की प्रॉबिलिटी है कि मार्च या अप्रैल तक हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कितना स्कोर आपका रहा है आप भी बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का संबंध है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। तो जो लेखांकन मानक है उनको जरूर करके जाइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है किससे रिलेट करता है? एकीकरण से, स्टॉक के मूल्यांकन से, अवमूल्यन अकाउंटिंग से या फिर संपत्ति के मूल्यांकन से। तो ये किससे रिलेट करता है? तो ये हो जाएगा एकीकरण, एमलगेशन जो होता है उससे रिलेट करता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं आपस में मिल करके आप एक नई कंपनी बनाती हैं, मिल जाती हैं, वो एकीकरण कहलाता है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है एकीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड फ्लो विवरण का मूल उद्देश्य यह दिखाना है। वित्तीय स्थिति, संपत्ति में बढ़त या घटती, देयता में बढ़त या घटती, चलती पूंजी में बढ़त या घटती। तो जो फंड फ्लो विवरण बनाते हैं यानी कि कोष का विवरण जो बनाया जाता है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वित्तीय स्थिति जो होता है वो तो आपकी बैलेंस शीट से ही पता चल जाती है कि क्या फाइनेंशियल स्टेट है। लेकिन उसके आगे भी जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो एनालिसिस में आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है दिखाना कि चलती पूंजी यानी कि यहाँ पर कार्यशील पूंजी भी लिखा हो सकता है, वर्किंग कैपिटल जो होती है उसको इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हो गई है उसको दिखाना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें, आपको वित्तीय स्थिति में आप टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेट दिखाना का काम होता है जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं और साथ में बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें दिखाई जाती है। लेकिन जो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के लिए बनाया जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए बनाया जाता है, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि समानार्थक शब्द हैं। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक संकीर्ण अर्थ वाला शब्द है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है या फिर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि क्या सत्य है। तो ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसको टिक करना है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो ऑप्शन सी बता रहा है कि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक विस्तृत है। आर्थिक विकास में सब कुछ शामिल हो जाता है, सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जब हम आर्थिक विकास की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पर ग्रोथ भी आ जाती है और भी सारी चीज़ें, आपकी इनकम है, जो एम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें ही इसमें आ जाती हैं। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की विशेषता नहीं है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता दर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है क्या विशेषता नहीं है, क्या उसकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो क्या नहीं होती है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं या देश होते हैं उनकी वो हो जाती है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वहाँ पर निम्न श्रम अनुपात नहीं होता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति जो होते हैं वो लगे रहते हैं। तो ये विशेषता नहीं होगी। बाकी निम्न प्रति व्यक्ति आय भी होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है और निरक्षरता दर भी उच्च होती है। क्या नहीं होता? डी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि या फिर सभी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उससे क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य होता है। तो हमने अभी समझा ही था कि आर्थिक विकास जो है बहुत ही बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों ही पॉइंट होंगे आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड होंगे। घरेलू उत्पादन में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है, उत्पादन की दक्षता भी देखी जाती है और आय का समान वितरण
प्लस आत्मनिर्भरता और जीवन प्रत्याशा वृद्धि तीनों ही आ जाएंगे आर्थिक विकास में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? एक वर्ष में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि, लंबे समय तक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या फिर जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कि अगर हम आर्थिक विकास को, जिसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको मापने के लिए किसी भी इंडेक्स का यूज कर रहे हैं, सूचकांक का यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा सूचकांक क्या माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्थिक विकास की जो हम सूचित करता है, तो राष्ट्रीय आय भी होती है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति हो सकता है पिछड़े वर्ग के हों, निम्न उसके हों, और कुछ जो हैं वो पूंजीपति वर्ग हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो होती है, तो टोटल आपकी नेशनल इनकम तो ज्यादा निकल रही है, लेकिन वहां पर ये रहता है ना कि सबकी इनकम नहीं आ रही है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि हो रही है, तो ये देखा जाए, माना जाएगा कि हाँ आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम उपक्रमों का तात्पर्य है, यहाँ पर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपना एक पृथक लाभ और हानि लेखा बनाते हैं, वे वाणिज्यिक संस्थान जो जनता से ऋण प्राप्त करते हैं, वे वाणिज्यिक संस्थान जो किसी बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, या फिर वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र हैं। आपको बताना है कि निगम उपक्रम क्या होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर आपने काफी सुना है इसके बारे में। क्या होता है कि एक ऐसे उपक्रम होते हैं, ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं कि संस्थान अपने पृथक लाभ हानि लेखा बनाते हैं, या फिर जनता से ऋण प्राप्त करते हैं, या फिर बैंक से ऋण, लेकिन कौन से होते हैं, वे वाणिज्य संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र होते हैं, यानी ओनर से अलग होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कंपनीज के बारे में, तो कंपनी क्या होती है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, कंपनी एक अपने आप में एक आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। किसी भी उसके जो अंशधारी शेयर होल्डर्स होते हैं वही उसके ओनर कहलाते हैं। उनके जीवन होने का, ना होने का, या फिर जो है किसी और को अपने जो शेयर्स हैं ट्रांसफर कर देने का, कंपनी की पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है। तो क्या होता है, ऐसे वाणिज्य संस्थान होते हैं जो अपने मालिकों से स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए क्या होती है, इसकी अपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, इनका अपनी एक सौर मुद्रा होती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा, आर के शर्मुखम चेट्टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो उसके बाद जो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन बना था? तो इसका उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोग ये भी देख के जाइएगा, ज्यादातर प्रथम पूछता है या फिर जो अभी करंट में है वही पूछा जाता है। तो इस टाइम करंट में कौन है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। जो प्रथम थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका चार सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था कौन सी थी? चौथी योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना, या फिर आठवीं योजना। तो पंचवर्षीय योजना अच्छे से देख के जाइएगा, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सी थी वो हो जाएगी आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक क्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं? वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन, उसमें से कोई नहीं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की, तो बिजनेस एक्टिविटीज अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। इसमें आपकी उद्योग भी आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी आती हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं वो भी आते हैं, बहुत कुछ इंक्लूड होता है इसमें। तो यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों का ही उत्पादन को इसमें शामिल किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, व्यवसाय के संबंध में इनके बातों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि बिजनेस रिलेटेड कौन से इसमें से चीजें जो हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक साथ दे रखे हैं, आपको यहाँ पर ये देखना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है,
और जो भी करेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे आंसर्स टिक करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्या दे रखा है। व्यवसाय के अंतर्गत वे ही क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका उद्देश्य लाभ तलाशना होता है। व्यवसाय द्वारा आय के प्रवाह का सृजन करना, जो व्यक्ति लाभ नहीं कमा पाता वह व्यवसायी नहीं है, व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से जैसे कि पहला पॉइंट उन्होंने जो बताया है कि क्रियाएं शामिल की जाती हैं, तो जिसमें कि आपका मेन पर्पस हो प्रॉफिट, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉफिट के पर्पस से ही कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका मेन यही रहेगा कि प्रॉफिट हो। अब तो साथ में दोनों चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, ये भी माना जाता है कि समाज को सोसाइटी को उससे लाभ भी हो, अपने उत्तरदायित्वों को भी पूरा करे और साथ ही प्रॉफिट भी गेन करे, तो ये पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है व्यवसाय द्वारा आय के प्रवाह का सृजन करना, ये भी करेक्ट है कि इनकम होनी चाहिए तभी बिजनेस चल पाएगा। फिर है जो व्यक्ति लाभ नहीं कमा पाता वह व्यवसाय नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, या तो हो सकता है कि लॉस में भी हो बिजनेस, या फिर आपका बीपी पॉइंट पर भी हो सकता है कि ना भी प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाता है प्रॉफिट होने लगता है, तो ये वाला तो करेक्ट नहीं होगा कि अगर बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है तो बिजनेस में नहीं कहलाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, करेक्ट है। बहुत आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जितने भी आप देखे होंगे जो भी ब्रांड है आपस में ब्रांड में बहुत कंपटीशन रहता है, एक जैसी बहुत सी चीज़ें मार्केट में है, प्राइस में भी रहता है, क्वांटिटी में भी रहता है, क्वालिटी में भी रहता है, हर तरह से कंपटीशन है, तो प्रतिस्पर्धा का सामना तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, जो आपका फर्स्ट था, सेकंड था और फोर्थ था, तो देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन डी में मिलेगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही टाइम देकर समझ करके लगाया करिए, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको के काफ़ी कट हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यह व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करता है, यह व्यवसाय की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, व्यावसायिक पर्यावरण पर व्यवसाय का पूरा नियंत्रण होता है, व्यावसायिक पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है, दो तरह का रहता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात नहीं की गई है, तो हम ओवरऑल की बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको ये ढूंढना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो आपको देखना है। ये देखते हैं पहला क्या कह रहा है, कि ये व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करता है, करेक्ट है, बिल्कुल प्रभावित करता है। ये व्यवसाय की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी प्रभावित करेगा। व्यवसायिक पर्यावरण पर व्यवसाय का पूरा नियंत्रण होता है, ये गलत हो जाएगा। जब बात आ जाती है इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो आंतरिक पर्यावरण है उस पर व्यवसाय का कंट्रोल रहता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है, इस तरह में गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं चेंज हो गई, या फिर आपका इकनॉमी है, इकनॉमी में कोई चेंजेस आ गए, या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ने कुछ अलग पॉलिसीज बना दी, तो वहाँ पर आपके लिए, या उसी तरह की कोई और कंपटीशन में आ गई कंपनी, तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उसका पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो यही पॉइंट आपका गलत हुआ जा रहा है। इसका डीप भी देख लेते हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है, तो ये करेक्ट है आपका कि चेंजेस आते रहते हैं लगातार, आज जो काम आप कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है लगातार बदलती रहती, चेंजेस होते रहते, तो ये आपके बाकी के ये तीनों करेक्ट हैं, यही आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि गलत पूछा था तो भाई आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे व्यावसायिक जटिलता का ज्ञान होता है, अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का आकलन होता है, व्यावसायिक घटकों के पारिस्थितिक प्रभावों की जानकारी होती है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी रखना या उसकी स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो व्यावसायिक जटिलता का ज्ञान हो करेक्ट है, पता चले कि क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं सामने, उसको लिए पहले से हम प्लानिंग करके तैयार रहें। अनिश्चितता जोखिमों का आकलन की, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है आपका अनप्रडिक्टेबल है, आप नहीं पहले से कर सकते कि क्या होने वाला है, अनसर्टेन है,
इसलिए अनिश्चितता रहेगी और जहां अनिश्चितता होगी वहां रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो करेक्ट है ये भी, व्यवसाय घटकों के पार्श्वों की जानकारी होना ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या जोड़ा गया है, उदारीकरण के साथ जोड़ा गया, निजीकरण के, उपयुक्त दोनों के, उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। तो जो नई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, नई औद्योगिक नीति आई है, उसमें इन दोनों के साथ ही जोड़ा गया है, उदारीकरण भी निजीकरण भी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। इसको कॉमर्स में एलपीजी की भी बुलाया जाता है, एलपीजी के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वैश्वीकरण भी हो सकता था साथ में, तो तीनों ही आंसर करेक्ट होते। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के आय एवं व्यय का समावेश किस नीति में होता है, व्यापारिक नीति, राजकोषीय नीति, कृषि नीति, मौद्रिक नीति। कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो इनकम हो रही है या फिर जो एक्सपेंसेस वो कर रही है, तो उसको किस नीति में, किस पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर अपने को पता होगा कि इसको किसने इंक्लूड हम करते हैं, ये हो जाएगा राजकोषीय नीति जो होती है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसमें। जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनिटरी पॉलिसी होती है, उसको कौन बनाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है, जो मौद्रिक नीति मॉनिटरी पॉलिसी कहलाती है वो कौन बनाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नीति किस नीति का अंग है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब बात टैक्स की आ रही, जो टैक्स के लिए पॉलिसी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल होते रहते हैं, टैक्स स्लैब्स चेंज हो जाते हैं, कभी जो उनकी सेक्शंस दे रखी हैं उसमें चीज़ें चेंज होती हैं, अमाउंट चेंजेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें हर साल पर ईयर बदलता रहता है। तो ये कर नीति जो होगी वो किस में इंक्लूड की जाती है, किसका एक अंग होती है, वो राजकोषीय नीति का अंग होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अफ्रीकी क्षेत्रों पर बल, कृषि निर्यात पर बल, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, उपयुक्त सभी। जैसे पहले ही मैंने बता दिया कि जितनी भी योजनाएं हैं आपकी पंचवर्षीय, उनको अच्छे से देख कर पढ़ के जाइएगा कि कहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना अचीव किया गया, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के क्या के लिए माना गया था या क्या उद्देश्य थे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो दसवीं वाली पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या तथ्य शामिल थे, तो वहाँ पर इन तीनों पर ही ध्यान दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जब हम कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें जिनको कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट अपने देश में ही ढूंढना कि कैसे उनको हम अपने देश में ही बनाएं, जिससे कि हम उनको आयात ना करें। क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो हमको अपने देश से जो हमारी करेंसी है दूसरे देश को देनी पड़ती है, और निर्यात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें विदेश से मुद्रा मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, तो हमारा ज़्यादा फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसलिए आयात प्रतिस्थापन इम्पोर्टेंट होता है, और निर्यात संवर्धन मतलब निर्यात को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, हमको इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इन दोनों ही चीज़ों ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आर्थिक विकास के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा उपयुक्त दोनों, यहाँ पर ये दोनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का नहीं है, आर्थिक स्थायित्व, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक विषमता में कमी, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी जिससे कि देश का विकास किया जा सके, इसमें अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में किसी पर कृषि पर बल दिया गया था, कहीं औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, तो किसी भी योजना का उद्देश्य कौन सा ऐसा है जो नहीं था। तो आर्थिक स्थायित्व तो सभी का रहा है, इम्पोर्टेंट था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, बार बार बहुत ज़्यादा जो हमारी रुपीज है या रुपया है जो चलता है इंडिया में, उसमें बहुत ज़्यादा
अवमूल्यन या फिर जो आपका हो जाता है कि कम हो गए करेंसी हमारे देश की बढ़ गई, वो चीज ना हो, स्थायित्व रहे। ये तो था ही, प्रत्यक्ष आय में वृद्धि भी था और आर्थिक क्षमता में कमी भी। क्या नहीं था? आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये उद्देश्य नहीं था, बाकी ये तीनों ही उद्देश्य थे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन पढ़िए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये जरूर ध्यान दिया करिए कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या फिर विशेषता है पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा था कि क्या नहीं उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हमारे इंडिया में जो भी प्लानिंग की जाती है, नियोजन होता है, उसका क्या स्वरूप है? अधिनायकवादी, आज्ञा मूलक, केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्देशित, प्रेरणा मूलक। किस तरह का है हमारा भारतीय नियोजन? तो भारतीय नियोजन की हम बात अगर करते हैं तो प्रेरणा मूलक है। गोल सेट किए जाते हैं, उद्देश्य सेट किए जाते हैं, किस तरह से उनको अचीव करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, उसका मोटिवेशन देना। तो यहाँ हमारा जो भारतीय नियोजन है वो प्रेरणा मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना व्यय के लिए केंद्र से राज्यों को आर्थिक सहायता देने का आधार है वित्त आयोग की संपत्तियां, इंदिरा अवार्ड, चक्रवर्ती पैनल रिपोर्ट, गार्डगिल फॉर्मूला। क्वेश्चन में कह रहा है कि योजना व्यय के लिए जो केंद्र से राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्रांट दी जाती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको, कि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें या कभी आवश्यकता होने पर केंद्र सरकार से ले सकती है, तो वहाँ पर किस योजना को आधार माना जाता है, कौन सी चीज आधार बनती है? तो वो हो जाएगी गार्डगिल फॉर्मूला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्या था ये फॉर्मूला? तो जो गार्डगिल फॉर्मूला था वो धनंजय रामचंद गार्डगिल के नाम पर रखा गया था। तो उसका मेन ये था कि जो राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो वो आर्थिक सहायता किस तरह से दी जाएगी, उस पर ये फॉर्मूला जो था वो बेस्ड था। इसका यूज जो किया गया था पब्लिक चौथी जो आपकी फोर्थ थी उसमें ही किया गया था, पंचवर्षीय योजना में, कि किस तरह से राज्यों को स्थानांतरित किया जाएगा जो भी आर्थिक सहायता होगी वो। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य विदेशी सहायता से अभिप्राय है विदेशी ऋण पर आश्रित ना होना, विदेशी प्रौद्योगिकी पर आश्रित ना रहना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संसाधनों से ही ऋण प्राप्त करना, योजनाओं में वित्तीय सहायता जुटाने के लिए विदेशों पर निर्भर न रहना। ये जब बात की जा रही है कि शून्य विदेशी सहायता, नाम से ही क्लियर हो रहा है शून्य विदेशी सहायता, यानी कि कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली जाएगी, तो वहां पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है कि योजनाओं में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, फाइनल रिसोर्सेस को जुटाने के लिए कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली जाएगी, या जो वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, या फिर किसी कंट्री से लिया जाता है, तो वो नहीं लिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना, साम्यवादी समाज की स्थापना, पूंजीवादी शक्तियों को समाप्त करना, या फिर भौतिकवादी समाज की स्थापना करना। तो भारत में, इंडिया में जो आर्थिक नियोजन है उसका जो मेन उद्देश्य कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि समाजवादी समाज की स्थापना करना, क्योंकि तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है, आपको जैसे कि पता ही होगा, उसकी जो पहली लाइन ही है उसी में ये बात कही गई है। समाजवादी सभी के लिए है, जितनी भी आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको सभी का अधिकार है, जितने भी लोग हैं, तो एक समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कृषि प्रधान, भारी उद्योग प्रधान, लघु उद्योग प्रधान, या फिर समन्वित विकास योजना। ये जो फर्स्ट आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर बेस्ड थी? तो आपको पता ही है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जिस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1951 में, तो वहां पर पहला उद्देश्य जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना था, कृषि प्रधान थी, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना था, उसका मशीनीकरण करना था, वैज्ञानिकीकरण करना था, तो ये उद्देश्य था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है औद्योगिकरण, नगरीकरण, एवं दोनों, कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी बहुत है, कि जो पर्यावरण प्रदूषण भारत में हो रहा है उसके लिए क्या उत्तरदायी है? सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा रहे हैं इसलिए हो रहा है, नगरीकरण किया जा रहा है इसलिए हो रहा है,
अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा, या फिर ये दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।